गोल लगातनी समाचार बटुए नवानगर से रिपोर्टर बने वरुण सिंह जी। खबर के हेडलाइन सुनी, एसएसबी के जवान के सौ रेखा पहुँचते पसर गई मातम। खबर का बा विस्तार से जानी, सिकरौल थाना क्षेत्र के रेखा गांव के एगो लाल कर्तव्य पथ के बलि वेदी पे चढ़ गई। मरे वाला रितेश कुमार उपाध्याय उर्फ छोटू उपाध्याय उम्र 36 बरिस, बाबूजी के नाम हरिंद्रनाथ उपाध्याय एसएसबी 34 बटालियन में बतौर हेड कांस्टेबल के पद पे पश्चिम बंगाल के नया अलीपुर द्वार स्थित हिंदुस्तान मोड़ पर तैनात रहन। मंगर के दिने शहीद जवान के पार्थिव शरीर एसएसबी जवान के द्वारा उनकर पैतृक गांव रेखा ले आवल गई। सौ के आवते अंतिम दर्शन के ग्रामीण के भीड़ उमड़ पड़ल। सब अपन गांव के होनहार जवान के एगो झलक पावे खातिर बेताब रहे। गांव के मुख्य चौक मठ पर घंटों से ग्रामीण सौ आवे के इंतजार करत रहन। जैसे ही एसएसबी के वाहन से इनकर ताबूत उतारल गई, ग्रामीण न मार्ग से रितेश उपाध्याय अमर रहे के नारा लगावे लगलन। एकरा बाद एसएसपी जवान के नेतृत्व में ही सौ के उनका घर ले आवल गई। जवान शहीद के पत्नी कावेरी देवी के पार्थिव शरीर सुपुर्द कर दिलन। परिजन के अंतिम दर्शन करैला के बाद बक्सर चरितरवन घाट पे अंतिम संस्कार कैल गई। अंतिम संस्कार के दौरान एसएसबी के इंस्पेक्टर संतोष कुमार के नेतृत्व में जवान परंपरा के अनुसार उनका के गार्ड ऑफ ऑनर दिलन। अंतिम दर्शन में भी ग्रामीण की उम्र पड़ल हुजूम। दू दिन पहले इनकर तबियत खराब भइल रहे। ग्रामीण वीरेंद्र उपाध्याय बतैलन कि दू दिन पहले इनकर तबियत खराब भइल रहे, जेकरा बाद अस्पताल में भर्ती करावल गई। सोमवार के अहले सुबह करीब 3 बजे ई अंतिम सांस लेने। बतावल जाता कि रितेश के लीवर में कुछ खराबी आ गई रहे। एसएसबी द्वारा उनका इलाज में हर संभव कोशिश कैल गई, लेकिन बचावल ना जा सकल। सब देखते छलकल परिजन के आंसू, बेसुध होके पत्नी खूब रोवली। शहीद जवान के सब जैसे ही उनका घर पहुंचल, परिजन के क्रुंदन चित्कार से माहौल गमगीन हो गई। सबसे खराब स्थिति पत्नी कावेरी देवी के रहल। उ पति के सब से लिपट के चीख चीख के रोवत रही के वो बेहोश हो जात रही। यह हाल उनकर बाबूजी हरेंद्र नाथ के रहे। जवान बेटा के मौत के पहाड़ सरीखा गम उनका बुढ़ापा में सहन ना भइल। बेटा के गम में उसूद भूत खो बैठलन। जबकि मरे वाला के बड़ भाई दीपक कुमार उपाध्याय उर्फ बड़े उपाध्याय के आंसू भी थमे के नाम ला लेते रहे। जवान के 2.5 साल के इकलौता पुत्र वासु भी घर वाला के रोवत देख जोर जोर से आंसू बहावत रहे।